इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री एमपी जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, जिंदगी में सड़क पर अधिकतर वही लोग आते हैं जो ज्यादा अकड़ कर चलते हैं। जिंदगी में अधिकांश लोग देखने में आया करते हैं कि जो अकड़ते हैं वह सड़क पर गिरकर चूर चूर हो जाते हैं, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह पदार्थ हो, चाहे अन्य सारी व्यवस्थाएं हो। जो अकड़ता है उसको ठोक पीट कर सही किया जाता है और जो सही रहता है उसको ठीक से ही सही अपने आप हो जाता है। आप गृहिणी हैं, आप जब भोजन बनाती हैं, आपने भोजन का कोई पदार्थ बनाया, लड्डू आदि बनाया, अन्य सारी चीज़ें आपने बनाई, वह ज़्यादा कड़क गई, ज़्यादा अकड़ गई, तो आप कैसे निकालते हो उसको? ठोक कर पीट कर निकालते हो। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा अकड़ में आ गई तो उसको ठोक पीट कर निकाला जाता है और जो वस्तु नरम होगी वह हाथ से ही आराम से निकल जाती है और काम में आ जाती है। क्योंकि कहते हैं जो जिंदा होता है वह अकड़ता नहीं है और जो अकड़ता है वह समझ के चलना कि जिंदा है कि नहीं मालूम नहीं। आप विचार करिए, अकड़ किस लिए? जिसकी अकल ठीक होगी वह कभी अकड़ेगा नहीं और जिसकी अकल ठीक नहीं है वह अकड़ेगा भी, बिगड़ेगा भी, तरह तरह के कार्य को संपन्न और संपादित करेगा। किस चीज के वैभव, किस चीज का धन, किस चीज के वस्त्र, किस चीज का अहम, दुनिया में आज यदि लोग सच मायने में दुखी हैं तो धन से इतने लोग दुखी नहीं हैं, भोजन से इतने लोग दुखी नहीं हैं, रहने पहनने से इतने लोग दुखी नहीं हैं जितना वर्तमान में आज इंसान अकड़ने के कारण दुखी हो रहा है, ईर्ष्या प्रवृत्ति के कारण दुखी हो रहा है, राग देश की परिणति के द्वारा दुखी हो रहा है। आज इंसान को इंसान की पहचान ही नहीं है। स्थिति यह है कि इंसान चाहे रोज भगवान का अभिषेक कर ले, चाहे रोज विधान की आराधना कर ले, चाहे रोज गुरुओं का सत्संग कर ले, लेकिन उसके जीवन की अकड़ कभी समाप्त हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका स्वभाव विपरीत हो चुका है। और जो विपरीत वाला स्वभाव का जीव होगा उसको संत क्या, ग्रंथ क्या, प्रभु क्या, कोई भी नहीं सुधार सकते क्योंकि वह सुधरना नहीं चाहता। विचार करिए, एक बार एक व्यक्ति सम्मेलन शिखर जी जाता है, एक बार एक व्यक्ति सम्मेलन शिखर जी जाता है और वहां से आने के बाद में उसकी पूरी दिनचर्या, पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति सम्मेलन शिखर जी जाता है, वहां से आने के बाद उसकी पूरी दिनचर्या परिवर्तित हो जाती है और जो लोग सालों से सम्मेलन शिखर जी रह रहे हैं उनके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं, तो सम्मेलन शिखर जी का दोष है क्या? दोष सम्मेलन शिखर जी का नहीं, दोष अपने अपने कर्मों का, अपने अपने खुद के विचारों का, अपने अपने खुद के भावों का दोष है। एक व्यक्ति महाराज के पास में आता है, एक व्यक्ति जिन मंदिर में आता है, हफ्ते में एक बार आता है, महीने में दो बार आता है, साल में चार बार आता है और कहता महाराज जी जो आपके पास मिलता वो कहीं मिलता ही नहीं है। और एक व्यक्ति रोज आ रहा है, दिन में चार बार आ रहा है, संग में ही रह रहा है लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है, क्या कारण है? प्रभु के पास रहने से, गुरु के पास रहने से, शास्त्र के पास रहने से ही यदि कल्याण होता तो सबसे ज्यादा मंदिर के मालियों का कल्याण होता कि 24 घंटे गुरुओं के पास रहते हैं, 24 घंटे शास्त्र के पास रहते हैं, 24 घंटे सबसे पहले मंदिर का दरवाजा ही खोलते हैं।
ऐसा नहीं है। कल्याण साथ में रहने से नहीं होगा, कल्याण पास में रहने से नहीं होगा, कल्याण होगा अपने अंदर के जो दुराभाव हैं, अपने अंदर के जो ईर्ष्या भाव हैं, अपने अंदर के जो अकड़पना है उसको समाप्त करो। एक बार कुछ समाज के लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जब वे तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने, जब आप लोग तीर्थों पर जाते हो तो गुरुओं का दर्शन करते हो, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हो, उनको समाचार देते हो कि हम तीर्थ पर जा रहे हैं, तो गुरुओं के पास पहुंचे, कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, गंगा स्नान करेंगे, अन्य अन्य सारी नदियों में स्नान करेंगे। तो संत ने पूछा क्यों स्नान करोगे? बोले कि जिससे हमारे जीवन की सारी कड़वाहट समाप्त हो जाए, हमारे जीवन के सारे पाप कर्म समाप्त हो जाएं। तो संत बोले कि आपके स्नान करने से पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जीवन अच्छा बन जाएगा, जीवन की अकड़ता अहम ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाएगा? बोले हाँ हाँ हो जाएगा। तो संत ने अपने जो साथ के लोग थे उनसे कहा कि एक तुम्बी लाओ, तुम्बी। तो लोग बोले जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो संत उसको फल देते हैं, फूल देते हैं, मिठाई देते हैं, ये तुम्बी दे रहे हैं, कड़वा फल दे रहे हैं। तो ये बात जब संत ने कही तो कई बार क्या होता है कि गुरु के सामने बोलना कम और सुनने कम से बहुत सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा गुरु बोल रहे हैं कि सुनो, उन्होंने तुम्बी दी, बोले पकड़ो। बोले जिस जिस नदी में तुम एक बार स्नान करो उस नदी में इस तुम्बी को पांच पांच बार स्नान कराना। क्या कहा? जिस जिस नदी में तुम एक एक बार स्नान करो उस नदी में तुम पांच पांच बार स्नान कराना। कितने बार? पांच पांच बार। अब वो लोग चले तीर्थ यात्रा पर, गए लौट कर आए, सब जगह से पहुंचे, और सब जगह से पहुंचने के बाद जब बार 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 स्नान हो रहा था तो पांच पांच बार उन्होंने स्नान कराया। और जैसे ही लौट कर आए बड़े प्रसन्न थे, लेकिन मन में एक बात थी कि कैसे संत हैं, तुम्बी को स्नान करवा रहे, तुम्बी को पांच पांच बार स्नान करवा रहे हैं, तुम्बी को पांच पांच बार स्नान करा रहे, क्या हो गया? इसलिए कहते पढ़े लिखे व्यक्ति को संत बनना चाहिए, संस्कारित आदमी को संत बनना चाहिए। जिसको ये ज्ञान नहीं है कि संत का रहन सहन कैसा होता है, वो बातें करता है पढ़े लिखे को संत बनना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, चर्चा सामान्य है। तुम्बी को दिया, बोले कितने बार स्नान कराया? बोले आपने तो पांच पांच बार कहा था, हमने तो कई जगह सात आठ बार भी करा दिया। उन्होंने बुलाया, बोले इसको काटो, काटो बनाओ, इसको काटो नहीं बनाओ, क्या करो इसको बनाइए। तुम्बी को बनाया गया, बनाने के बाद उन्होंने एक एक टुकड़ा सारे उनको युवकों को दे दिया, बोले खाओ इसको, खाइए। बोले तो जैसे ही उन्होंने तुम्बी को खाया मुंह से थूक दिया, कड़वी है, कड़वी है। क्या कहा? तुम्बी को खाया मुंह से थूक दिया कि कड़वी है, कड़वी है, कड़वी है। तो बोले श्री कृष्ण जी आपने भी, मतलब जो श्री कृष्ण जी के भगत, बोले आपने क्या मजाक कर दी, कड़वी तुम्बी खिला दी। बोले इसका स्वाद कैसा है? अरे बोले बहुत कड़वा। तो वो बोले संत जी, बोले क्या तुमने इसको तुम्बी को स्नान नहीं कराया था? बोले बिल्कुल, बहुत जगह जगह कराया था। बोले तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि तुम्बी को आपने हर जगह स्नान करा दिया, लेकिन उसका जो कड़वाहट है वह स्वाद नहीं गया, अर्थात जिसका जो स्वभाव है वह जाने वाला नहीं है। तो तुम चाहे गंगा स्नान करो, चाहे तीर्थ यात्रा जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, चाहे कुछ सत्संग कर लो, तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मात्र गुरु सानिध्य से, जिनवाणी मां के पढ़ने से, मंदिर में आने से लोगों के भावों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक अंतरंग से वह नहीं जाएगा। अकड़ता कौन है?
झगड़ता कौन है, ईर्ष्या राग द्वेष कौन करता है। कहते हैं कि जो आदमी सड़क पर है, सड़क पर तो हम भी हैं, आप तो सड़क पर चलते हो तो चप्पल जूते पहनकर चलते हो, दिगंबर मुनि महाराज तो जब सड़क पर चलते हैं तो नंगे पैर चलते हैं, हमसे ज्यादा सड़क पर कौन होगा। लेकिन संत जब सड़क पर चलते हैं तो उनके पास राजा महाराजा भी उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि इन्होंने अकड़ छोड़कर सकड़ को अपनाई है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो करता है वह सड़क पर आ जाता है। सड़क पर आने से मतलब इन्हीं के सड़क पर चल रहा है, अर्थात उसकी सोच सड़क पर रहने वाले लोगों के जैसी हो जाया करती है। आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इतनी मन की विडंबनाएं क्यों, इतने मन के विचार क्यों। अरे कभी आप अपना चेहरा उसमें देखिए, आईने में सुबह चेहरा देखते हो, रात तक चेहरा कई तरह से बदल जाता है, काला पीला नीला क्या क्या हो जाता है। जब हमारा चेहरा ही हमारा साथ नहीं दे रहा है तो आसपास के लोग क्या साथ देंगे, आसपास के लोगों से क्या अपेक्षा करते हो। और दूसरी बात, दुनिया में अच्छे लोगों को खोजना बंद कर दो, दुनिया में बुरे लोगों को ढूंढना बंद कर दो, तो आप कहोगे महाराज जी करें क्या। दुनिया में अच्छे लोगों को खोजना बंद कर दो, दुनिया में बुरे लोगों को ढूंढना बंद कर दो, बल्कि खुद अच्छे इंसान बन जाओ, हो सकता है किसी व्यक्ति की खोज पूरी हो जाए। अपने अंदर की सारी बुराइयां, अपने अंदर के सारे दुर्गुण समाप्त कर दो, हो सकता है कि जीवन का कल्याण हो जाए। पहले के जमाने में लोग आया करते थे और माता पिता गुरुजन समाज के लोग वरिष्ठ नागरिक कहते थे कि भाई ऐसा काम करना है, और हाथ जोड़ता था और कहता था बिल्कुल करूंगा। और आज के जमाने में कहते हैं ऐसा काम करना है, ऐसा कार्य करना है, ऐसा कार्य करना है। करने के पहले इंसान जवाब देगा महाराज जी कल ही तो किया था, और कोई ज्यादा होगा तो ऐसा तो मैं करूंगा ही नहीं। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। यहां वर्णन आता है, ग्रंथों में आता है कि गुरु ने यदि कोई बात कह दी, भगवान ने यदि कोई बात कह दी, जिनवाणी माँ ने कोई बात कह दी, तो उसको पत्थर की लकीर समझ के चल लो, अंधेरे में भी आपको उजाला मिल जाएगा, पतझड़ में भी आपको बसंत का अनुभव आ जाएगा, कटीले झाड़ियों में भी आपको वहां पर खुशबूदार फूल मिल जाएगा। एक बार बात सच्चे श्रद्धा भक्ति से करके तो देखो। लेकिन जहां क्वेश्चन मार्क है, जहां संकल्प विकल्प है कि काम तो कर रहे हो लेकिन विकल्प सहित कर रहे हो। लोग इतना भोजन करते हैं लेकिन मोटे क्यों नहीं होते। भोजन करने से यदि इंसान मोटा होता तो आज भारत देश के जितने लोग हैं वह 100-150, 150-200 किलो के होते। खाने पीने से यदि कोई इंसान मोटा पतला होता तो लोग 100-150 किलो से कम नहीं होते। कितने सालों से खा रहे हो, कितना खा रहे हो। इंसान के जीवन में, इंसान के शरीर में यदि मान लीजिए कहीं पर कोई शरीर बनता है तो वह प्रेम पूर्वक खाने से, प्रेम पूर्वक रहने से, प्रेम पूर्वक बोलने से बनता है। कभी भी गौर कर लेना, यदि खाने से बनता शरीर तो दिन भर में कितना खाते हैं लोग, क्यों नहीं हो रहे 100-100 किलो के। इसलिए कहते हैं कि खिलखिलाकर जो खिलाता है, खिलखिलाकर मतलब जो हंसते हंसते खिलाता है, वह एक जीवन का अलग ही आनंद देता है। खाने पीने से शरीर नहीं बनता, इत्र फुरेल लगाने से शरीर में कोई चमक नहीं आ जाएगी, सेंट वेंट शैंपू साबुन लिम पता नहीं क्या क्या लगाने से शरीर चमकने लग जाता तो इंसान में कोई काला ही नहीं होता, संसार में कोई इंसान काला ही नहीं होता। बल्कि जो है इंसान की जो चमक जो ठीक है, इससे आप ऊपर का आवरण साफ कर लोगे, इससे क्या होगा। आप सोचिए, विचार करिए कि जो वस्तु शाश्वत है उस पर ध्यान दो। ठीक है शरीर चलाना है, शरीर के बिना जीवन में कुछ नहीं हो सकता, शरीर है तो धर्म होगा ये भी पक्की बात है, शक्ति स्तप त्याग भावना भी 16 करण में आएगी आगे, सब कुछ होगा। लेकिन शरीर को उतना ही संभालो जितना संभालना जरूरी है। आप काम कितना करते हो, जितना आप कर सकते हो, तो उसी प्रकार से अपने जीवन में अकड़ को भी इतना स्थान दो जितना तुम लायक हो, अहंकार भी उतना करने का प्रयास करो जिसके तुम लायक हो,
राग देश भी उतना करने का प्रयास करो जिसके तुम लायक हो, और हम किसी के लायक नहीं और हम चले जा रहे हैं, अरे क्या होगा इससे। ध्यान रखना, बरसात का जब बाढ़ आती है, बरसात में जब बाढ़ आया करती है तो उसके बाद कई सारे पेड़ साफ हो जाते हैं। कौन से पेड़ साफ होते हैं? बरसात के बहाव में, बाढ़ में आने के बाद जो वृक्ष झुकते हैं वह कभी साफ नहीं होते। जो बांस जैसे, ठूट जैसे खड़े रहते हैं, अकड़ के खड़े रहते हैं, उनको बरसात का पानी पूरा जड़ समेत उठाकर साफ कर देता है। झुकता जो है वही पाता है। बिना झुके तो जिंदगी में इंसान को कुछ मिला ही नहीं और ना मिल सकता है। अकड़ना छोड़ो। अकड़ किस लिए? चार पैसे के लिए, चार प्रकार के भोजन के लिए, चार प्रकार की वस्तु के लिए। अरे भाई, हर व्यक्ति से ऊपर कोई ना कोई है, हर व्यक्ति से ऊपर कोई ना कोई है, और सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा है। जिनके ऊपर कोई नहीं उनके ऊपर परमात्मा है। ध्यान रखना, बात समझिए, बात को जानिए, और जो बात को समझ लेगा, जान लेगा, उसके जीवन में कोई समस्या कभी आएगी नहीं। जिसके पास में साइकिल है वो स्कूटर वाले से रेस लगा रहा है, जिसके पास में स्कूटर है वह कार वाले से रेस लगा रहा है, जिसके कार पास कार है वह जीप वाले से, जीप वाला एरोप्लेन वाले से, एरोप्लेन वाला रॉकेट से, और रॉकेट वाला चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है। अरे किस लिए? उल्टा देखिए इसको, साइकिल वाला सोचे अरे मैं तो पैदल से अच्छा हूं, स्कूटर वाला सोचे मैं साइकिल से अच्छा हूं, गाड़ी वाला सोचे मैं स्कूटर से अच्छा हूं, एरोप्लेन वाला सोचे मैं कार से अच्छा हूं, तो समझ के चलना कि जीवन में अकड़ का स्थान ही नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री एमपी जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।